ियल so हमारा फोर है सी डी पी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का तो हमने हमारी लास्ट विडियो में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर वन में डेवलपमेंट का concept डिस्कस किया था लेक्चर नंबर टू में हमने डिस्कस किया था अबाउट देरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुस द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट सोशलाइजेशन प्रोसेस की सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है एजेंट्स क्या होते हैं फोर्थ लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कॉन्स्ट्रेक्ट एंड क्रिटिकल परसपेक्टिव ऑफ पीएगे कॉलवर्क एंड ये जो साइकोलॉजिस्ट है इनकी थ्यूरी को हमने स्टडी करना है जो हमारे एच टेट और सी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं आज ये वाले सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं जे एन पीएजे कॉर्गनेटिव डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट दिया था इन्होंने स्टेजेस मॉरल डेवलपमेंट वर्स थ्यूरी एंड रिकॉर्ड्स की कल्चरल परसपेक्टिव तो इनकी थ्योरीज को आज हमें स्टडी करना है सबसे पहले हम जे एन पेगेस की थ्योरी को स्टडी करते हैं बेसिकली जो जेन पेगेस थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे अपनी थ्योरी दी थी इन्होंने क्या बोला था कि जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट टू इयर्स तक अपने वर्ल्ड को अपनी तरह से मतलब अपने अकॉर्डिंग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत थोड़ी सी तो इसमें वो एड ऑन करते रहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं तो उनका बेसिक कंसेप्ट क्या था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनका माइंड डेवलप होगा वैसे वैसे और वैसे वैसे, वैसे वो न्यू आइडियाज बनाएंगे तो so बेसिकली इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि चाइल्ड का माइंड कैसे डेवलप होता है सो लेट्स रीड देयर थ्योरी जीन पेगे स्ट्रेस दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन सिंपली उनके माइंड में नहीं आती इन्वायरमेंट से जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है और वो उनको उसके ऊपर थिंकिंग एबिलिटीज इंप्रूव करते हैं जैसे न्यू आइडियाज लाते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करते हैं पी बिलीव दैट चाइल्ड्स माइंड पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस होती है बहुत सारी थ्रू इन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलोसेंस इन्फेंसी से एडोलोसेंस तक बहुत सारी स्टेजेस होती है जिससे चाइल्ड का माइंड पास आउट करता है बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जैसे-जैसे स्लोली स्लोली द माइंड गेट्स डेवलप क्लियर है उसके बाद जो हर एक स्टेज होती है ना हर एक स्टेज का अपना अलग वे होता है थिंकिंग का और एज से रिलेटेड होती है फॉर एग्जांपल चाइल्ड जो बच्चा इन्फेंट होता है दो साल तक का बच्चा होता है एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड इंटरेक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स जैसे वो देख के सुन के टच करके एक्सपीरियंस करता है वट इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड तो ये सब चीजें जो होती है वो प्लेइंग द यंग इन फैक्ट वु रिएक्ट इव नथिंग हैज एप योर शिल विल नॉट सर्च फॉर टॉय तो मतलब बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने यही दिया था कि जो चाइल्ड है वो इन फेंसी से लेके एडोलोसेंस तक बहुत सारी स्टेजेस से पास आउट करते हैं और हर एक स्टेज का अपना अलग वे है थिंकिंग का एंड एवरी स्टेज इज रिलेटेड टू देअर एज धीरे धीरे उनका माइंड डेवलप करता है दिस थ्योरी ऑफ जीएन जी तो नेक्स्ट इन्होंने कॉर्गनेटिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था तो so, कॉर्गनेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कॉर्गोनेटिव मतलब माइंड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हमारी माइंड से रिलेटेड होती हैं कॉगनेशन मतलब कंप्लीटली रिलेटेड टू माइंड ब्रेन ठीक है तो कॉगोनिशन मीन्स टू परसीव कॉम्प्रिहेंड और कंसीव और सिंपली टू नो नो कैसे मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को हम कैसे जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर माइंड तो स्विस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया था हमें डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पे थिंकिंग एंड कॉगोनिशन थ्रू डेवलपमेंट टू एन अडल्ट उनकी थ्योरी ऑफ कॉगनीशन को हम जेनेटिक्स एपेस्ट्रोमोलॉजी भी बोलते हैं जेनेटिक्स एपेस्ट्रोमोलॉजी इट फोकस

ताकि हम अपना एक नया कंसेप्ट जनरेट कर सकें सो दिस वॉज अबाउट द एसिमिलेशन ये प्रोसेस होती है एसिमिलेशन की ठीक है एसिमिलेशन क्लियर है आप लोगों को उसके बाद आ जाता है एकोमोडेशन अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है हम इस कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे वॉकिंग में हमने कुछ ना कुछ ऐसा चेंज किया जिससे चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग क्लियर है तो जो चेंज ऑल्टरेशन हमने की वो किससे होगी एस से होगी एसिमुलेशन क्लियर है उसके बाद एक्मोडेशन भी क्लियर है अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, है एकमोडेशन के बीच का बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम ठीक है इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना इज नोन एज इक्वी I hope ये तीनों आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है तो लेट्स बिगिन विथ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ कॉगोनेटिव डेवलपमेंट में क्या है सबसे पहले इनफेंसी की स्टेज है जिसको हम क्या बोलते हैं सेंसोरी मोटर, जो इनफेंट्स होते हैं वो वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर एक्सप्लोर करते हैं बाई दे एक्सपीरियंस विद फिश मतलब कि वो चीजों को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं प्री ऑपरेशनल पीरियड होता है जो टू टू सेवन ईयर से होता है इसमें क्या होता है सिम्बॉलिकॉट डेवलप करती है ऑब्जेक्ट प्रिमेंस इज एस्टेब्लिश जो चाइल्ड है वो cannot contribute different physical attributes of an object मतलब कुछ कुछ development होनी start हो जाती है जैसे child है वो कुछ कुछ चीजों को कुछ कुछ objects को recognize कर लेते हैं फिर उसके बाद आ जाती है concrete operational stage हमारे पास जो सेवन to नाइन years में होती है इसमें child क्या करता है logically चीजों को बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है कि अगर इन्वायरमेंट में ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है तो वो अपने मेंटल ऑपरेशंस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं फिर आ जाती है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल 11 टू 15 इयर्स तक की एज में होती है फॉर्मल ऑपरेशनल इसमें क्या करते हैं वो बहुत अच्छे से मतलब ज्यादा अच्छे से लॉजिक को अप्लाई करते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग जो है उनकी डेवलप करना स्टार्ट कर देती है तो ये हमारे पास स्टेजेस थी कॉगेनेटिव डेवलपमेंट की उसके बाद हमने एजुकेशनल एप्लीकेशन पढ़ने हैं ऑफ पेजेस थ्योरी तो सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बोला था कि जो हम स्कूल का करिकुलम बनाते हैं स्कूल का टाइम टेबल जो बुक्स हम इंक्लूड करते हैं जो सब्जेक्ट्स हम इंक्लूड करते हैं उन सबको ऐसे डिजाइन करो कि वो चाइल्ड की कॉगेनेटिव एबिलिटीज पर बेस्ड हो टली चाइल्ड उनको उस नॉलेज को ग्रेस करने के एबिलिटी होनी चाहिए अगर आप मान लो कि से मान लो अगर आप सेकेंड थर्ड क्लास की बुक्स में फोर्थ फिफ्थ क्लास की बुक्स एड कर दोगे तो, तो वो चाइल्ड नहीं मतलब उस नॉलेज को नहीं ग्रेस कर पाएगा तो बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि स्कूल करिकुलम उस तरह से डिजाइन करना चाहिए जो कि बच्चे के माइंड जितनी नॉलेज बच्चे का माइंड ग्रास्प कर सके उसके बाद टीचर्स को मैगजीम्स फॉलो करने चाहिए टीचिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये जो मैगजीम्स होते हैं जैसे पहले हमें क्या करना चाहिए सिंपल टॉपिक को टीच करना चाहिए क्लास में सबसे पहले हम बच्चों को ए बी सी डी सिखाएंगे अब अगर सिंपली ए बी सी डी सिखा दी देन हम उन्हें जोड़कर वर्ड बनाना सिखाएंगे बॉय गर्ल तो ये सब चीजें हम उन्हें सिखाएंगे तो मतलब पहले हमें एक छोटी सी छोटी नॉलेज से चलना चाहिए फिर आ जाता है हमारे पास कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो चीजें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है जिनको बच्चे फिजिकली देख सकते हैं पहले हमें उन्हें उन चीजों के बारे में बताना चाहिए फिर धीरे धीरे हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों की तरफ उन्हें लेके जाए जिनको वो देख नहीं सकते सो दैट देर कॉग्निटिव एबिलिटीज कैन डेवलप फर्दर तो जो पी थ्योरी है इट हेल्प्स द टीचर्स टू अंडरस्टैंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कि ये थ्योरी हेल्प करती है टीचर्स को अंडरस्टैंड करने में कि बच्चे का माइंड कैसे डेवलप करता है हाउ डज द माइंड ऑफ अ चाइल्ड डेवलप दिस वी केम टू नो बाय पी थ्योरी सो आई होप टिल हियर यू ऑल आर क्लियर विद दिस थिंग्स नेक्स्ट हमने पढ़ना है मॉरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अब मॉरल डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है मॉरल डेवलपमेंट कि बच्चों को पता होना चाहिए क्या वो सही कर रहे हैं क्या चीजें वो गलत है उनके लिए फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर मॉरल बिहेवियर मॉरल कंसेप्ट आने चाहिए कि उनको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है ये मॉरल चीजें उनके अंदर होनी चाहिए एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है किसी को झूठ नहीं बोलना क्या चीजें अच्छी हैं क्या बुरी है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग सो दीज थिंग्स कम्स अंडर द मॉरल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट में चार चार स्टेजेस होते हैं एनोमी स्टेज हेटेरोनोमी अथॉरिटी हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी और ऑटोनोमी एडोलेसेंस तो ये चार स्टेजेस होती हैं हमारे पास मॉरल डेवलपमेंट में मैं इनका बेसिक कंसेप्ट आपको बता देती हूँ तो जो एनोमी स्टेज होती है उस स्टेज पे बेसिकली पांच साल तक के बच्चा ओब्वियसली वो नॉन मॉरल ही होता है उसको मॉरल चीजों के बारे में क्या करना है क्या सही है क्या गलत है शी ही सिंपली नो तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेट्रोनोमी अथॉरिटी स्टेज जो कि पांच से आठ साल तक की होती है ठीक है इसमें बच्चों को कुछ कुछ डिसिप्लिन के बारे में पता लगता है सेकेंड स्टेज में दे केम टू नो अबाउट द डिसिप्लिन और स्कूल्स में क्या होता है पनिशमेंट रूल रख दिया जाता है ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि वट इज राइट एंड वट इज रोंग कुछ कुछ उन्हें पता लग जाता है कि क्या गलत है क्या सही है कैसे हमें रिस्पेक्ट करनी है तो नेक्स्ट है हेटरोनोमी रेसिप्रोसिटी इस स्टेज में क्या होता है तो हम बच्चों को कन्फर्मिटी मिल जाती है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है क्या चीज उनके लिए ऑफेंसिव होगी क्या चीज नहीं होगी दे सिंपली नो वी शुड नॉट डू टू अदर्स वट विल बी ऑफेंसिव टू अस उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना है जो कि उनके लिए भी गलत हो लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है ऑटोनोमी एडोलोसेंस की स्टेज जिसमें क्या होता है इसको हम इक्विटी स्टेज भी बोलते हैं अ वेट मिनट दिस इज आल्सो नोन एज इक्विटी स्टेज अब इस स्टेज में होता क्या है इस स्टेज में एक्चुअल में मतलब फुली रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं बच्चे दे बिकम फुली रिस्पॉन्सिबल और दे स्टार्ट बिहेविंग मेच्योरली सो दिस वॉज अबाउट द थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया तो एक्चुअली मैं इसलिए क्लियर कर देती हूँ बहुत मैसी मैसी सी शीट हो जाती है सो so नेक्स्ट है हमारे पास कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अब कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की इन्होंने तीन थ्योरीज़ दी थी तीन लेवल्स दिए थे बेसिकली जिसमें था प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग इन्होंने बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट को ही फर्दर आगे सीरीज में एक्सप्लेन किया था तो जो लेवल वन है हमारी इसमें क्या होता है प्री कन्वेंशनल लेवल में हमारे पास आ जाते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन उसके बाद आ जाता है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन ये सब हमारे पास किस में आ जाते हैं प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में बेसिकली पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में होता क्या है सो so, पनिशमेंट में इसमें ये होता है जैसे कि बच्चों के लिए कुछ कुछ पनिशमेंट सेट की जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे होमवर्क नहीं करके आएंगे तो उनको डबल होमवर्क दिया जाएगा तो इस सॉर्ट ऑफ समथिंग की पनिशमेंट एड ऑन की जाती है ताकि वो मतलब मॉरल एथिक्स मॉरल डेवलपमेंट उनके अंदर हो सके या अगर वो अपने पेरेंट्स को या किसी को डिस करेंगे तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी तो ये सब चीजें इसमें एड ऑन करते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाती है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन में क्या होता है बेसिकली एक रिवॉर्ड सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल अगर ये बच्चा पढ़ के आया है, क्लास में इसके टेन ऑन टेन आया है, तो पूरी क्लास उसके लिए क्लैप करेगी तो रिवॉर्ड एक हैप्पीनेस सॉर्ट ऑफ समथिंग जिससे मोटिवेशन मिलती है बच्चों को वो और भी अच्छा डेवलप करने की ट्राई करते हैं तो इन सब चीजों में यही किया जाता है फिर आ जाता है हमारे पास गुड बॉय गुड गर्ल ऑरिएटेशन की कौन बच्चा अच्छा है कौन बच्चा अच्छे काम कर रहा है सोसाइटी को सर्व कर रहा है तो ये सब आ जाता है गुड बॉय गुड गर्ल ऑरिएटेशन में फिर आ जाता है लॉज एंड ऑर्डर्स को कैसे फॉलो करना है किस लो को जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में डेली आना है पंक नहीं करना लॉज नहीं क्लास के रूल्स नहीं तोड़ने हमें क्लास uh, में डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो ये सब चीज़ें लॉज को फॉलो करना सिखाते हैं फिर हमारे पास आ जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑरियंटेशन इसमें क्या होता है सोशल कॉन्टेक्ट में मतलब हमारा सोसाइटी की तरफ बच्चों का कैसा बिहेवियर होना चाहिए बिहेवियर सोसाइटी तो अगर हमारा सोसाइटी की तरफ अच्छा बिहेवियर होगा देन बच्चे सोशली बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे तो उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में क्या है कि बच्चों को अपने माइंड में रखना चाहिए जो सो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको कैसे फॉलो करना है यूनिवर्सली मतलब उनको ओबीडियंट मॉरल प्रिंसिपल्स को कैसे डेवलप करना है बेसिकली इसमें यही है यह कि इंडिविजुअल शुड कीप इन माइंड नॉट ओनली द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी बट ऑल्सो द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल यूनिवर्सली सबको कैसे ट्रीट करना है तो ये था हमारे पास स्टेजेस थी हमारे पास मॉरल डेवलपमेंट की इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है दो थ्योरीज हम लोग पढ़ चुके हैं थर्ड आ जाती है हमारे पास विगोट्स की सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव तो इन्होंने किस चीज़ पे थ्योरी दी थी इनकी जो बेसिकली जो थ्योरी थी वो मेंटल एक्टिविटीज पे ही बेस्ड थी जो चिल्ड्रंस है वो कल्चर तो उनका वे ऑफ थिंकिंग उनका वे ऑफ बिहेविंग कैसा होगा तो इन सब ये के बारे में इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था तो उसके बाद हमारे पास इन्होंने यही एक्सप्लेन किया था तो इनकी थ्योरी देखते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्टॉड्स की थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन एंड कंसेप्ट ऑफ जेडी जेड पी डी जेड पी डी क्या है प्रोक्सीमल डेवलपमेंट या फिर जॉन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तो थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन क्या कहती है थे, ही बिलीव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली द सोशल इन्वायरमेंट एंड डायरेक्ट इट्स इनवर्ट जैसे उनकी सोसाइटी में इन्वायरमेंट होगा फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में हरे फेस्टिवल्स को थ्यूरी ऑफ इंटरनलाइजेशन का कहने का मतलब यही है कि बच्चा सोसाइटी में जैसा इन्वायरमेंट होगा उन सब चीजों से सीखता है फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में अपने तो अपनी कंट्री के प्रति क्या रिस्पेक्ट है तो इन सब चीजों को देख के बच्चा डेवलप होता है और यू और शी आल्सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हर कंट्री तो इन ये सब चीजें आती हैं कि जैसे सोसाइटी बात करती है जिस लैंग्वेज में दे लर्न हाउ टू स्पीक तो ये सब चीजें दे लर्न फ्रॉम थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन। उसके बाद आ जेडपीडी की जोन जोन ऑफ पोटेंशियल और प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसमें क्या होता है बेसिकली ये डिफरेंस होता है एक्चुअल डेवलपमेंट में और जिस जिस मतलब जहां जिस लेवल तक बच्चा गाइडेंस के बाद डेवलपमेंट को अटेन कर सकता है तो ये जोन मतलब डिफरेंस लेवल हो जाता है उनके बीच में सो so बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि मेजर बाय द टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस लेवल तो थर्ड हमारे पास क्या है इनकी थ्यूरी स्केफ होल्डिंग स्केफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल की बच्चों को सपोर्ट सही सपोर्ट सही गाइडेंस प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर सकें और उनकी लर्निंग में अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा डांस सीखने में इंटरेस्टेड है उसको अच्छा डांस आता है तो हमें उन्हें हेल्प करनी चाहिए गाइड करना चाहिए कि वो क्या क्या चीजें एड ऑन कर सकते हैं सो दैट दे कैन बिकम अ बेटर डांसर तो ये सब चीजें थ्योरी है रिकॉर्ड स्की की थ्योरी है पी थ्योरी है तो आज हमने इनको स्टडी किया तीनों थ्योरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक हमारा फोर्थ लेक्चर का फिनिशअप हो चुका है सो टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जी ट्यूटोरियल अपने नोट साइड बाय साइड बनाओ इनके और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीपीएस ट्यूटोरियल